शहर में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा भक्ति से मनाया गया। सुबह से ही नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने का क्रम शुरू हो गया था। देर शाम तक श्रद्धालुओं ने नाग देवता का पूजन किया। प्रसिद्ध दामखेड़ा नाग मंदिर परिसर के बाहर मेला भी लगा है। मंदिरों में सुबह नाग देवता का अभिषेक हुआ, इसके बाद श्रृंगार और महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। दामखेड़ा मंदिर समिति के नवनीत भंडारी ने बताया, मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे खोले गए। मंगलवार सुबह 5:30 बजे महाआरती और बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। यहां 1,00,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर तक चली निशुल्क बसें दामखेड़ा स्थित नाग मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए नाग पंचमी पर गो ट्रेवल्स की निशुल्क बसें चलाई गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दामखेड़ा नागराज मंदिर ट्रस्ट यहाँ करीबन 1,00,000 दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे कल रात को 12 बजे पूजा समिति द्वारा की गई, मतलब सवेरे 4:30-5 बजे आरती हुई। उसके बाद यहाँ बाबा के दर्शन का लाभ लेना ना चाहिए। 2 साल से कोरोना कारण यहाँ कोई आ नहीं पाया। इस साल सबको बहुत उत्साह के साथ नाग पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। सबको उत्साह है। एक दिन का यहाँ मेला लगता है, मतलब यहाँ पे हमारे भव्य भंडारी की तरफ से यमुना प्योर लगाई जाती है, लोगों को शरबत पिलाया जाता है। गोर ट्रेवल्स के द्वारा बस पे दर्शनार्थियों के लिए आने जाने की निःशुल्क सेवा बस सुविधा रहती है। मतलब मंदिर समिति की ओर से प्रसाद बांटा जाता है, मतलब खुद्रपाक का, मतलब आज अल्लाह सच्चा यहाँ बाबा सब मान पूरी करते हैं। बाबा को सभी यहाँ सिर्फ लगता है। मतलब हमारे मित्र मतलब साथियों ने इस बार गिराज बाबा का दर्शन की झांकी बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत आकर्षक झांकी बनाई है। यहाँ तो एक दिन का मेला लगता है, प्रधान के माप की व्यवस्था रहती है, सब यहाँ मिल मिल के काम करते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? नवनीत लाल भंडारी, दामखेड़ा अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।